सुप्रभात बच्चों, तो आइए अब हम आरंभ करेंगे हमारी आज की हिंदी कक्षा। और हिंदी कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अब तक के किए हुए स्वरों की दोहराई करते हुए उनका चित्रों से मिलान करना सीखेंगे कि यदि आपको स्वर और चित्र दिए हैं तो आपको किस तरह से चित्र को पहचान कर उसकी ध्वनि को समझना है और उसका स्वर से मिलान करना है, उससे मैचिंग करनी है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे स्वरों को पढ़ेंगे। तो आप सभी मेरे साथ बोलेंगे अ। दोबारा से बोलिए अ। आ। तो जब हम आ बोल रहे हैं आपका मुंह खुलेगा। आ अ अ में आप इतना बड़ा मुंह नहीं खोलते। अ आ ई ई। तो जब हमने ई बोला तो हमने जोर लगाया ई। ऊ ऊ। समझ में आया किस तरह से बोलना है? फिर से बोलिए अ बच्चों, हम देखते हैं कि आज हम अपनी हिंदी का कार्य कैसे करेंगे। तो आपको ये कार्य कहाँ करना है? आपकी ड्राइंग फाइल में कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आज की डेट लिखनी है, कक्षा कार्य और हमारा आज का टॉपिक। टॉपिक क्या है?
चित्रों का सही स्वर से मिलान। तो पहले आप इस तरह से स्वर लिखेंगे अ आ ई ई ऊ ऊ। इन सभी स्वरों को लिखने के बाद आप कुछ चित्र बनाएंगे और फिर उन चित्रों में हम पहले क्या करेंगे, हम पहले रंग भरेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चित्रों में रंग भरते हैं। हमारा पहला चित्र कौन सा है, आम का। तो चलिए हम सब पहले आम के चित्र में रंग भरेंगे। और जब भी आप रंग भरने का कार्य करते हैं आपको अपने ये क्रेयॉन्स कलर ही यूज़ करने हैं, ठीक है बेटा। और रंग भरते टाइम बहुत ही क्लीन वर्क करना है, नीटली रंग करने हैं, रंग भरने हैं आपको एकदम सफाई से। तो ये हो गया हमारा आम का चित्र। अब अगला चित्र कौन सा है, इमली का। इमली का क्या रंग होता है बेटा, इमली होती है ब्राउन कलर की, भूरे रंग की। तो हम क्या करेंगे, इमली में ब्राउन कलर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला पिक्चर किसका है, अगला चित्र है अनानास का। किसका चित्र है, अनानास का। तो चलिए अनानास में रंग भरते हैं। तो अनानास में हम पहले करेंगे पीला रंग, हल्का हल्का सा। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा इसमें ब्राउन कलर को मिक्स कर देंगे। और ऊपर होता है इसमें भी हरा रंग, तो हम यहाँ पे हरा रंग करेंगे। इस तरह से, ठीक है। चलिए अब हमारी अगला चित्र है ऊन का। तो ऊन तो हम किसी भी रंग से कर सकते हैं, हम अभी लाल रंग करेंगे ऊन में। आपको इस तरह से रंगों के नाम भी बोलने हैं, रेड, रेड को हिंदी में हम कहते हैं लाल रंग। ठीक है, ये ऊन हो गया हमारा। अब है उल्लू। उल्लू में फिर से हमें ब्राउन कलर करना है, तो आइए हम इसमें कलर करते हैं। और लास्ट ईंट, ईंट होती है लाल रंग की, जिससे घर बनते हैं। तो इस तरह से आप ईंट में रंग भरेंगे। अब इन सभी में रंग भरने के बाद हमें क्या करना है, एक मोटे काले पेन से इनकी आउटलाइन बनानी है। तो चलिए वो भी बनाते हैं। तो देखिए अब हम इनकी आउटलाइंस कैसे करेंगे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको सभी की आउटलाइन बनानी होगी ताकि उसकी आकृति क्लियर हो जाए हमें। समझ में आया।
आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे और क्या है। अनानास, इसी तरह से हम अनानास के लिए भी करेंगे। तो आइए अब हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा वर्क रेडी। अब हमें क्या करना है, अब हम इनका मिलान करेंगे। किस तरह से करेंगे हम मिलान, अब देखिए सबसे पहला स्वर है अ, अ से अनानास, तो आप एक रंग लेंगे और अ और अनानास को मिला देंगे। अब हमारा अगला चित्र है आ, आ से आम, तो हमें क्या करना है इनको मिलाना है। हर मिलान के लिए अलग रंग का प्रयोग करें। अब है ई, ई से क्या होता है बच्चों, इमली, तो ई से इमली। अब बड़ी ई, ई, ई से क्या होगा, ईंट, ई से क्या होगा, ईंट, तो हमें क्या करना है ई से ईंट का मिलान करना है ऐसे। उ से उल्लू, तो हम क्या करेंगे उ और उल्लू को मिला देंगे। और बड़े उ से क्या होता है, ऊन, तो बड़े उ से ऊन का मिलान करेंगे। तो इस तरह से आपको अपना ये कार्य पूरा करना है। समझ गए आप सभी, ये देखिए बच्चों चित्र को स्वर से मिलान करना।